हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों को सीतापुर से लखीमपुर के मध्य में इलेक्ट्रिक लोको ट्रायल की जो न्यूज निकल के आई वो सुनाएंगे, और साथ में आप लोगों को वीडियो दिखाया था। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है तो किस तरीके से सजाया जा रहा था और कैसे तैयारियाँ की जा रही थी उसमें दिखाया था, और साथ में एक क्लिप के माध्यम से भी दिखाया था कि सीतापुर से जो है इलेक्ट्रिक लोको ट्रायल लखीमपुर के लिए रवाना हुआ है। तो शाम के समय आप लोगों को मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई थी, क्योंकि शाम के 5:35 पर सीतापुर से निकला था। तो वो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से अभी थोड़ा सा शेयर करने वाले हैं, क्या क्या सफल रहा और कब तक संभावित सीआरएस हो सकता है, इसमें सब कुछ बताया गया है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। सीतापुर से लखीमपुर के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन जल्द दौड़ सकती है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिसंबर के दूसरे सप्ताह में सीआरएस हो सकता है इलेक्ट्रिक ट्रेन का। इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात से पहले इलेक्ट्रिक लोको का सफल ट्रायल शनिवार को हुआ। सीतापुर से इलेक्ट्रिक लोको को सजाकर लखीमपुर के लिए रवाना किया गया। करीब 40 मिनट में इलेक्ट्रिक लोको ने लखीमपुर का सफ़र पूरा कर लिया। शनिवार को इलेक्ट्रिक लोको को ट्रायल के लिए सीतापुर जंक्शन पर लाया गया था। रेल विकास निगम के प्रबंधक जगन्नाथ मिश्र, मुख्य परियोजना अधिकारी निश्चल श्रीवास्तव की मौजूदगी में विधि विधान से पूजन किया गया। इसके बाद शाम करीब 5:35 पर इलेक्ट्रिक इंजन को लखीमपुर रवाना किया गया। इलेक्ट्रिक लोको पायलट दिनेश कुमार और महेंद्र कुमार ने सीतापुर से लखीमपुर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 40 मिनट में तय की। अब सीआरएस के लिए भेजेंगे रिपोर्ट। रेलवे विकास निगम के प्रबंधक जगन्नाथ मिश्र ने बताया कि ट्रायल सफल रहा। इलेक्ट्रिक लोको 5:35 पर सीतापुर से रवाना हुआ, 6:15 पर लखीमपुर पहुंच गया। अब हम सीआरएस के लिए रिपोर्ट भेजेंगे, सीआरएस हो जाएगा, इसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में सीआरएस संभव है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जानकारी निकल के जो आई है, तो अब सीआरएस बहुत ही जल्द होगा, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक रहा है और अच्छे से रहा तो सीआरएस भी बहुत जल्द सफल रहेगा। उसके बाद हो सकता है ट्रेन बहुत ही जल्द चल जाएं, और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि अच्छी खबर निकले और एक दो ट्रेनें चलनी चाहिए अपने रूट पर, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। डग्गामार जो वाहन हैं उनका किराया बहुत ज़्यादा चल रहा है, जनता परेशान है, और इस तरीके से सब कुछ सफल रहे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी छोटी सी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।